हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज है छठ पूजा का सुबह का जो अर्घ होता है वो देना होता है, तभी छठी मैया उसके बाद विदाई होंगी। ढाई दिन के लिए आती हैं और ये पूजा जो होता है बहुत ही नियम से होता है। लेकिन मैं जब नहा के तो मंदिर में नवरात्रि चल रहे, तो मैंने मंदिर में पूजा कर लिया और ये वो सामान है अर्घ वाले, और जो जो भी फल फ्रूट लेके हम छठ घट जाते हैं वो है। ये व्रत सब लोग नहीं करते हैं, इसे छोटा छठ शायद बोला जाता है। मतलब ये वो लोग व्रत करते हैं जिन्होंने मन्नत मांगी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। अभी सुबह सुबह का टाइम है, नहा ली हूँ, अभी अर्घ नहीं दिलाया है, जा रही हूँ घाट पे, वहीं बैठती हूँ। कैसी जल्दी आती है मेरी, कैसे पूछती हूँ, मैं हंस देती हूँ। आज मैं सुबह जल्दी उठी थी, मुझे दिमाग में से चल रहा था कि मुझे घाट पे जाना है, छठी मैया के पास वहाँ जाना है, तो इसलिए शायद मैं जल्दी उठ गई थी, नहा वाली थी। और यहाँ पे मैं आ गई और जो चद्दर वगैरह है मैंने इसे बिछा दिया। अभी टाइम लगेगा सबको आने में, तो मैंने सोचा मैं यहीं पर बैठ जाती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना छठ घाट में ना घाट भी अखोड़ना होता है। बट वैसे बहुत दिन हो गया था, मतलब सूरज भगवान जो थे वो निकलने को आ गए थे, फिर मुझे सूना सूना से यहाँ पर लग रहा था। तो फिर मैं ऊपर गई और दिया और अगरबत्ती जो है वो सब लेके आई, मैंने यहाँ पे जला दिया ताकि सही लगे मैया के पास, मतलब ऐसे सूना सा ना लगे। इसलिए पूजा फिर मैंने बाद में किया था, तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। और इसके बाद फिर जैसे थोड़ा सा और टाइम हुआ तो पति देव जी जो हैं वो नहा कर आ गए। हमें तो वैसे इस साइड रखना था क्योंकि इधर ही सूरज भगवान निकलते, लेकिन यहाँ पे एक ट्रक आ गई थी, हमारे घर के बगल में किसी की शादी है तो उसी ट्रक में से घिर गए थे, इसलिए इन्होंने सोचा कि यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पानी भर देते हैं। लेकिन बाद में फिर इधर किया गया और यहाँ पे पूजा जो है छठी मैया की पूजा हो गई, अब अर्घ दिला रहा है। तो उससे पहले मैंने यहाँ पे चना चढ़ाते हैं, फ्रूट चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। सिंदूर से भी मैंने टीका था, शायद आप लोगों ने पीछे भी देखा होगा व्लॉग में, मैंने ध्यान नहीं दिया एडिटिंग करते टाइम, वॉइस ओवर करते टाइम। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे मैंने एक बार आशीर्वाद ले लिया था पापा जी से, दोबारा ऐसे रिकॉर्ड किया थोड़ा सा, जिसको कैमरा दिया था ना उसने कैमरा बंद कर दिया, कह रहा कि अच्छा मुझे लगा कि अब नहीं करना है, तो मैंने बोला नहीं फिर से कर दो। तो जब ये पैर छू रहे थे ना पापा जी के, तब मैं भी झुक गई थी। और ये हमारा सिंदूर है जिसे बांध के ऐसे रखा जाता है, तो वही मैं लेके फिर जा रही हूँ। फिर ना यहाँ पे से ना प्रसाद मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ, तो पतिदेव जी ने बोला रुको मैं आपको देता हूँ यहाँ से प्रसाद उठा के। मैंने बोला ठीक है आप दे दो, तो उन्होंने दे दिया।
यहाँ पे आटा गूंदा हुआ था, मैं आई और धनु के लिए पराठा बनाई। ये तो कह रहे थे कि छोड़ दो स्कूल मत भेजो, मैंने बोला नहीं भेज देती हूँ, स्कूल रहेगा तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। तो मैंने उनके लिए एक आलू का जो पराठा होता है ना वो मैंने बनाया कि उन्हें मतलब थोड़ा अच्छा लगे। आलू का पराठा कैसे बनाया, आलू की सब्ज़ी जो थी ना उसमें से आलू निकाल लिया, उसको शफ करके और मैंने बना दिया। कुछ लोगों की बहुत शिकायत है कि कैसे मतलब कि हॉस्पिटल पहुंच गए, या फिर मतलब बहुत सारी ऐसी बातें कही जा रही है। तो मुझे सारी बातों की तो सफाई नहीं देनी है, लेकिन कुछ लोगों को ये लग रहा है कि फिर आपने वीडियो डाल कैसे दिया। तो मैं आपको बताऊं, मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी कितनी जल्दी जो वीडियो है मैं अपलोड कर सकूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। लेकिन जो वीडियो अभी जिस वीडियो से इतनी नेगेटिविटी फैल रही थी तो मुझे बताना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि वो वीडियो भी अगले दिन आ सकता था। कि जब पता है कि किसी की तबीयत ख़राब है तो वो वीडियो डालेगा या बताएगा, या खुद नहीं बता सकते तो थोड़ा सा मतलब इस चीज़ पे ध्यान दिया जा सकता था कि चलो ठीक है। लेकिन जब वीडियो आ गया सामने से और लोग इतना गलत सलत बोलने लग गए, तो जाहिर सी बात है कि मैं कोशिश करूँगी कि वो सारी चीज़ ऐसे ना हो, तो मैं शेयर करूँगी ही वीडियो ताकि लोगों की जो गलत फहमी है वो दूर हो सके। गाइज, मुझे कुछ लोगों के मैसेज आए हैं और फिर मैंने चेक किया किसी के कम्युनिटी जहाँ पे अर्चन वर्ड यूज किया गया है कि अर्चन ना आ जाए उनकी जिम्मेदारियों में, जिम्मेदारियाँ निभाना चाहते हैं। तो भैया बात ऐसी है ना कि मैं और यह मेरी तबीयत किसी की भी खुशियों में और जिम्मेदारियों में कोई अर्चन नहीं आएगा, बल्कि मैं भगवान से प्रेयर करती हूँ कि आपकी लाइफ में कभी कोई अड़चन ही ना है ऐसी जिम्मेदारियों के बीच में सबसे ज़्यादा, और आपके ऊपर ऐसी जिम्मेदारियाँ इससे भी एक से बढ़कर जिम्मेदारियाँ आती रहें और आप जिम्मेदारी निभाते रहें, और भगवान मुझे इन सब चीज़ों से दूर रखें कि मैं किसी की चीज़ में अड़चन बनूँ। सो गाइस, अभी जा रही हूँ मैं धनु को स्कूल छोड़ने के लिए। धनु स्कूल जा लिए मेरी, पापा बहुत क्या बोले स्मार्टली प्ले करते हैं, मुझे बोले कि रात को लेट सोए होंगे छोड़ देते हैं और आपके हाथ में भी वो हुआ है। मैंने बोला नहीं भेज दो, क्योंकि अब तो गर्मी की छुट्टियां पड़ने वाली होंगी ना, आधा में से एक महीना और जाएगा ना, एक महीना और जाना चाहिए। एक महीने में कितना दिन जाते हैं, 8 दिन तो छुट्टी ही रहता है, तो फिर बीच में होली दिवाली कुछ ना कुछ ऐसे पड़ता ही रहता है, इसलिए मैंने अपने स्कूल की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। और हाथ कहते हैं खाली नहीं रखते, मैं इसको निकाल दूंगी, उसके बाद बैंगल्स भी पहन लूँगी, या कोई जाड़ी बड़ी सी बैंगल्स पहन लेती हूँ, समझ नहीं आया अभी कल जैसे मैं बोली ना, मुझे ध्यान है कि बड़ा बैंगल्स तो पहन सकती हूँ। आपको पता है क्या, हाथ खाली रखते ये वही कह रहे, हाथ खाली नहीं रखते ना पहन लो इसे। मैंने बोला कैसे पहनूँ बताओ, अच्छा, छोटी ये वाली बैंगल जो है ना ये छोटी है, हाथ में नहीं रखती। और आज सुबह ये बाबू का जो पराठा सेक रही थी इसमें हाथ जल गया, इसे बहुत ज़्यादा जल गया, मतलब जलन हो रहा है इसमें, घी नहीं छीटा आ जाता है इसी से। मुझे मेरा पेन है, मुझे लगा कि आराम हो गया रात को सोई थी तो, बट अभी भी है, बस वो बढ़े ना धीरे धीरे कम हो जाए, क्योंकि उन्होंने जो मेडिसिन दिया था वो मेडिसिन जब उसमें दिया था ना, क्या बोलते हैं जो पानी चढ़ाते जिस इंजेक्शन जो होता है वो उसी के थ्रू दे रहे थे। उन्होंने बोला ये चढ़ता रहेगा जब तक वो नहीं होगा आराम, मतलब किसी पेन जो है उसको साइड करने के लिए वो कर रहे थे। तो हमें लगा एक में हो जाएगा, नहीं होगा, फिर दो में, वो भी इतने स्लो उसमें चढ़ रहा था, और मैंने बोला मेरा तेज कर दो, मुझे घर जाना है तेज कर दो, ये पूरा एकदम ऐसा लगा फटने लगा इतना, मैं वो जल्दी से बुलाएगा उसको कम करवाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर उसको वैसे ठीक है, आज सुबह मैं बहुत जल्दी उठी हूँ, कब से उठी हूँ, हाँ वहाँ की छुट्टी मेरे पास बैठी हुई थी, बोल रही थी धनु स्कूल चले जा रहे हैं, मैं ऑफिस चले जा रहा हूँ, तो सो जाना नाश्ता पानी दवाई खा के बस जाना ना पड़े। अब मुझे बोला था हॉस्पिटल में आकर दिखा दूंगी, बहुत अजीब लगता है हॉस्पिटल जाना, देखते हैं इनको छोड़ दे थोड़ा फिर मिलते हैं आपसे, बाय। सो गाइस, पतिदेव जी ऑफिस चले गए, धनु को स्कूल छोड़ दिया, और अभी आई हूँ मैं अपने रूम में रेस्ट करने के लिए, नींद आ रही है, सर भारी भारी सा हो गया है, और पतिदेव जी का भी सर भारी है, तो वो लेट सोए थे सुबह, सुबह जल्दी उठे पूजा की वजह से, और जो
कुछ लोग ना मुझे कमेंट कर रहे हैं कि इतनी जल्दी, एक दो लोग आए थे, इतनी जल्दी ठीक भी हो गई, वीडियो जो है अपलोड कर दिया सुबह। किसी ने ये कमेंट किया नाटक है या जो भी, तो मुझे बहुत अच्छे से पता था, मैं जानती हूँ ना, मैं जानती हूँ लोगों को, सबको नहीं जानती, सबको जानती हूँ, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं। जब नानी जी ये सब हुआ था ना, तभी जो लोगों ने मुझ पर एलिगेशन लगाए थे, तभी मैं समझ गई थी। पतिदेव जी का बिल्कुल भी वो नहीं था, हिम्मत नहीं थी, मन नहीं था, फिर भी मैंने उनसे बोला कि थोड़ा बहुत आप वीडियो ज़रूर शूट करना। मुझे पता था कि लोग प्रूफ मांगेंगे, ये करो वो करो, तो वो हमने थोड़ा बहुत जो है शूट कर लिया और शेयर किया। क्योंकि अगर नहीं होता ना, अगर नाटक होता तो कोई हॉस्पिटल जाता, बेड पे लेटता और फिर आ जाता, कोई इतने इंजेक्शन नहीं ठुकवाता, इतने 8-10 हज़ार का बिल नहीं बनवाता, अपना करवाता और आ जाता। लेकिन क्या बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ऐसे लोगों को कुछ भी, जो हैं भाई जैसे हैं, जिनकी जैसी सोच। सो हम तो आ गए घर, ठीक है, आराम है, मतलब आराम है, ठीक नहीं है, जो पेन है अभी भी हो रहा है। और सुबह छठी मैया का आशीर्वाद भी लिया हमने, क्योंकि कहते हैं ना, शाम को आप घाट पे जाओ या ना जाओ, सुबह जाके आशीर्वाद ले लो, प्रसाद ले लो, वो बहुत कुछ होता है। तो छठी मैया का आशीर्वाद भी लिया हमने, प्रसाद भी लिया हमने, और सब कुछ हुआ। और मैं यहाँ पे हूँ भी। डॉक्टर ने ये बोला, आपको इस बात से खुश होना चाहिए कि आपको कुछ नहीं निकला। कोई भी डॉक्टर जब ये बात कहता है ना, बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टरों को लोग बोलते हैं कि वो सोचते हैं कि लोग बीमार पड़े और आए हॉस्पिटल, लेकिन जब डॉक्टर ये बोलता है ना कि ये मनाओ कि कुछ नहीं निकला, तो अच्छा लगता है सही में। बेशक 8-10 हज़ार रुपये जो भी हैं वो पैसे खर्च हो, लेकिन अगर कुछ नहीं निकले तो कुछ लोग ऐसा लगता है यार इतने पैसे भी खर्च कर दिए कुछ नहीं निकला। कुछ नहीं निकला वो अच्छी बात है, सोचो भगवान का हाथ है आपके सर पे कि आप ठीक हो, फिट हो, और ये थोड़ा बहुत होता रहता है, तो इसलिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये ब्लॉग इसलिए डालना पड़ा क्योंकि क्या ही बताऊँ, आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने ये ब्लॉग क्यों डाला। इतनी नेगेटिविटी फैल रही थी, लोग मुझे ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे थे, तो मैंने सोचा इससे ज़्यादा बढ़े इसे क्योंकि आज तो छठ पूजा वाले दिन सुबह जल्दी उठते हैं, तो अपना इस वीडियो को जो है अपलोड कर दूँ ताकि लोगों को समझ में आए। बाकी अभी मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ।